लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से अपने कोटे की एक एक सीट पर बीजेपी बारीक अध्ययन के बाद ही कोई फैसला ले रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में जिन 195 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की उनमें यूपी के 51 चेहरे हैं और अब माना जा रहा है कि जल्द ही भाजपा की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है और इनमें कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी कट सकते हैं। इन्हीं सीटों में से एक है मेरठ लोकसभा सीट। बीजेपी की दूसरी सूची में मेरठ सीट के प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी मेरठ के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम काटकर किसी सेलिब्रिटी को इस सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसमें रामानंद सागर निर्देशित रामायण के राम यानी अरुण गोविल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। मेरठ सीट को लेकर कयासबाजियों का दौर जारी है। सूत्र बताते हैं कि कुछ सीट पर भाजपा नए चेहरों को मौका देने के मूड में है। इसका जल्द ही खुलासा भी हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे तर्क क्या है। दरअसल बीजेपी अग्रवाल समाज के ही कैंडिडेट पर दांव लगाएगी। इसके लिए रामायण प्रेम अरुण गोविल बीजेपी की पहली पसंद हो सकते हैं, क्योंकि राम का किरदार भारतीय जनमानस के दिलों में खास जगह बनाए हुए है। इसलिए अरुण गोविल को टिकट दिया जा सकता है। इसके लिए मेरठ के सियासी समीकरण को समझना भी बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से मेरठ हापुड़ सीट चुनाव के नजरिए से काफी अहम मानी जाती रही। इस सीट को जीतने में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका रहती, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी, इसके अलावा दलितों की भी यहाँ पर बड़ी आबादी निवास करती है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार मेरठ में मुसलमानों की लगभग 5,64,000 आबादी रहती है। दूसरे नंबर पर दलित आते हैं। यहाँ जाटव समुदाय के 3,14,788 लोग रहते हैं। इसके अलावा 58,700 वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। जनरल कास्ट की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय की 1,18,000, वैश्य की 1,83,000, त्यागी समुदाय की 41,000, जाटों की 1,30,000 और गुर्जरों की 56,300 आबादी रहती है। इनके अलावा सैनी समुदाय की 41,150, प्रजापति समाज की 46,800, पाल समुदाय के 27,000 और कश्यपों की 30,000 के आसपास आबादी है। मेरठ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें हापुड़, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी और मेरठ दक्षिण शामिल है। वहीं ये अलग बात है कि मेरठ लोकसभा सीट पर कई अन्य दावेदार भी हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती है और अगर अरुण गोविल का नाम नहीं भी आता है तो हैरानी की बात नहीं होगी। वहीं मेरठ लोकसभा सीट से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल राजनीति के पुराने खिलाड़ी तो हैं, वो पिछले 3 बार से चुनाव जीत भी चुके हैं और संसद भी पहुंचते रहे हैं। हालांकि जानकार जो राजनीतिक लोग हैं वहां पर, जो अच्छी पकड़ रखते हैं, लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, वो बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी उनका टिकट काट सकती है और इसके चांसेस ज्यादा है। फिलहाल इन कयासों पर असली मुहर तभी लग पाएगी जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।